एजुकेटर सपना नेगी एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे वो कौन से मेजर चेंजेस हैं जो आपको सी ए के अंदर देखने को मिल सकते हैं एंड हम बात करेंगे कि क्या ये हमारे फायदे के लिए है या हमारा कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है इसमें तो चलिए है आए हैं कौन कौन से मेजर राइट तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, है वो आप कब से भरना शुरू होगा नाइनटीन ऑफ फेबर आपको डेट दे दी गई है इस डेट से मतलब बेसिकली आपका एटीन नाइनटीन ट्वेंटी आप मान के चलो इन तीन दिन के अंदर, अंदर अंदर आपको क्या हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है उसके बाद आगे बात करते हैं कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज तो बच्चा यही है कि सी 2024 में हाइब्रिड मॉडल यूज किया जाएगा फॉर योर एग्जाम अभी हाइब्रिड मॉडल क्या होता है देखो अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया जितने भी प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिया था सी मोड में एग्जाम दिया था बट इस बार जो हमारी गवर्नमेंट है जो एन है वो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड्स का यूज करने वाला है बच्चों ये हमारे फायदे के लिए है अब आप देखो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एनरोलमेंट स्टूडेंट्स का ज्यादा होता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन जिसमें ज्यादा है उसी क्वाइंट क्या करेगा ऑफलाइन मोड यानी कि ओ एम आर शीट पर आपको क्या देना पड़ेगा वो एग्जाम देना पड़ेगा एंड जिन सब्जेक्ट्स में एप्लीकेशन नंबर क्या है कम है वो आप सीबीटी मोड में दे पाओगे राइट right? और रूरल एरियाज़ जो जोगे बच्चों को क्या करना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करके जाना पड़ रहा था तो बट इस चीज़ की हेल्प से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जब दोनों हो जाएगा तो उस चीज़ की हेल्प से बच्चे को दूर नहीं जाना पड़ेगा उसको अपने घर के आसपास की जो सिटी है वहीं पर क्या मिल जाएगा एग्जाम सेंटर मिल जाएगा तो अगेन ये हमारे लिए बेनिफिट है ये हमारा बेनिफिट है हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए इसके अलावा बच्चों जो आपका वो है सब्जेक्ट्स है वो भी इस एनटी ने क्या कर दिया है कम कर दिया रिड्यूस कर दिया पहले आप टेन सब्जेक्ट्स दे सकते थे टेन सब्जेक्ट्स भर सकते थे बट अब इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है सिक्स कर दिया गया है एंड सिक्स का भी जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनाया देखो थ्री डोमेन वन जर्नर टेस्ट एंड टू लैंग्वेज यानी कि आप तीन डोमेन डोमेन क्या होता है जो आपके क्लास ट्वेल्थ के सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई भी तीन परफेक्ट डोमेन आपको चूज करने इसके अलावा आपको जर्नल टेस्ट एंड दो जो बच गए वो क्या आपका लैंग्वेज है तो ये कॉम्बिनेशन आप चूज करने वाले हो किसके अंदर अपने सीयू डी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के एग्जाम पैटर्न के अंदर राइट right? और क्या देखने को मिला और क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है जो हमारा एग्जाम होगा वो किस लेवल का होने वाला है वो होने वाला है हमारा बच्चे मॉडरेट लेवल का अब मॉडरेट लेवल सुन के बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है इजी टू तो मॉडरेट लेवल आएगा पेपर बट जब भी ये देखा गया है कि हमारा पेपर मॉडरेट या इजी लेवल का आता है तो उसका जो कट uh, ऑफ जाता है बच्चे वो हाई जाता है तो ध्यान रखना पेपर मॉडरेट आएगा इजी आएगा अच्छी बात है बट आप लोग को मेहनत उतना ही करना है ठीक है मेहनत उससे ज़्यादा बोल सकते हो आप करने को ताकि आप वो कट ऑफ क्लियर कर पाओ राइट इसके अलावा आपको और क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो थ्री शिफ्ट के अंदर कंडक्ट किया जाएगा कितना एक दिन में तीन शिफ्ट होंगी आपकी जिसका टाइमिंग भी उन्होंने बताया नाइन टू इलेवन एक हो गया देन ट्वेल्व थर्टी टू टू पी हो गया एंड फोर टू फाइव थर्टी तो तीन शिफ्ट होंगी आपकी इन तीन शिफ्ट के अंदर आपके एग्जाम क्या होंगे कंडक्ट करवाए जाएंगे राइट सो गाइज दीज वर मेजर चेंजेस एंड देखो ये सारे चेंजेस हमारे फायदे के लिए ही हुए हैं एन टी बार बच्चों के बारे में सोच कर ये सारे के सारे चेंजेस उन्होंने किए हैं एंड उनके हिसाब से ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड जो है ये ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि वो पंद्रह दिन के अंदर अंदर अपने सारे एग्जाम कंप्लीट करवाना चाहते हैं यानी कि फ्रॉम फिफ्टी ऑफ में टिल थर्टी फर्स्ट ऑफ में आपके सारे एग्जाम कंप्लीट होने के चांसेस हैं इस बार वो एक्सटेंड नहीं होगा जून में नहीं जाएगा राइट सो गाइज दैट वॉज ऑल फॉर टू आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा जितने भी डाउट्स थे आपके वो सब क्लियर हो गए होंगे एंड कौन कौन से मेजर चेंजेस हैं वो आपको पता चल गया है राइट सो so गाइज़ ऐसी और वीडियोज़ के लिए अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना सो गाइज टेक केयर बाय नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं